साथियों नमस्कार। अगर आप कोविड पेशेंट रहे हैं और आप वकील हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। साथियों अभी एक हाल ही में स्कीम आई, जिस सहायता स्कीम के अंतर्गत उन वकीलों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस स्कीम का लाभ उन अधिवक्ताओं को नहीं मिलेगा जो 1 अप्रैल 2021 से पहले बीमार पड़े हैं। जो अधिवक्ता 1 अप्रैल 2021 के बाद बीमार पड़े हैं उन्हीं को ये लाभ मिल पाएगा। सहायता स्कीम के अंतर्गत उन वकीलों को आर्थिक सहायता दी जाएगी जो वकील कोविड के पेशेंट हुए, कोविड पॉजिटिव जिनको पाया गया और जो अस्पताल में भर्ती रहे। जो व्यक्ति कोविड पॉजिटिव होकर सिर्फ घर में आइसोलेट रहे, यह स्कीम उनके लिए नहीं है। राज्य अधिवक्ता परिषद मध्य प्रदेश के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। अन्य राज्यों की जो अधिवक्ता परिषदें हैं उनके अपने अपने नियम हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पर सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद की बात कर रहा हूँ। इसमें आपको एक आवेदन देना होगा, वो आवेदन का प्रारूप गजट नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। इसके बाद उस आवेदन में एक बार से सर्टिफिकेट लगेगा, सर्टिफिकेशन होगा अध्यक्ष के द्वारा, जो स्थानीय बार होगी आपकी, वहाँ से वो इस बात को प्रमाणित करेंगे कि आप अस्पताल में भर्ती रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए से अधिक का रिटर्न फाइल करता है उस वकील को ये सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। अगर कोई वकील हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ है, सिर्फ घर में आइसोलेट है, उसको भी ये सहायता नहीं मिलेगी। अगर किसी व्यक्ति की कोविड के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसको 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। साथियों ये सब राज्य अधिवक्ता परिषद मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाएगा। जो व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है और हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है और हॉस्पिटल में भर्ती रहने के दौरान उसने खर्चा जो भी किया है उनके बिल उसको देने होंगे, वहाँ से डिस्चार्ज जो भी टिकट मिलेगा हॉस्पिटल से वो उसको लगाना होगा, सीटी स्कैन की रिपोर्ट उसको लगानी होगी, उसको कोविड पॉजिटिव होने का भी सबूत देना पड़ेगा। इसके बाद बार के जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं स्थानीय बार के, वो उसको प्रमाणित करेंगे और इसमें स्थानीय बार की वह रसीद भी लगेगी जो आखिरी बार आपने वहाँ पर बार एसोसिएशन, जो लोकल बार है आपकी, उसको आपने पैसे जमा किए थे, जो रसीद कटती है, जिसको चंदे की रसीद कह सकते हो आप या बार का फंड कह सकते हो, जिसको आप सदस्यता शुल्क कह सकते हैं, इसकी रसीद भी लगेगी, जिसको प्रमाणित प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाएगा। इसके बाद जैसे ही आप आवेदन करेंगे, बार स्थानीय बार उस आवेदन को मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद को भेजेगी। अगर किसी की मृत्यु हुई है तो उसे 1 लाख रुपए, और अगर कोई व्यक्ति सिर्फ कोरोना से पीड़ित होकर अस्पताल में भर्ती रहा है तो उसको 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर लाइक कीजिएगा। शेयर करने से फ़ायदा ये होगा कि जो व्यक्ति कोविड पॉजिटिव रहा होगा और हॉस्पिटल में गया होगा, वकील है पेशे से, तो उस व्यक्ति को इसका लाभ मिल सकेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।